सारे ब्रजवासियों ने कही बाबा जब से लाला का जन्म हुआ तब से गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, अब यहाँ रहना ठीक नहीं, अब वृंदावन चलते। तैयारी होने लगी और उसी समय सब लोग अपने अपने सामानों को जब बैलगाड़ियों में लादने लगे तो उसी समय पर एक बुढ़िया जो नित्य फल बेचने आया करती थी मथुरा से चल करके, बड़ी सी टोकरी लेकर के वो फल बेचने के लिए आई, पर सुबह से दोपहर हो गई एक फल भी बिका नहीं। अब कहाँ बेचूं, कहाँ बिकेगा? नंद भवन के सामने बड़ा सा बरगद का पेड़ था, वटवृक्ष था, वहां जाके बैठ गई, टोकरी रख दी। अगर ये नहीं बिके तो आज मैं अन्न कैसे खरीदूंगी, मैं क्या खाऊंगी, सोचते बैठी थी। तब तक भगवान श्याम सुंदर ने इस फल बेचने वाली को देखा, जब देखा तो भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके इसके सामने आकर के भगवान खड़े हो गए। भगवान बोले मैया, जैसे भगवान ने कही मैया, और एकदम सुध-बुध सब खो गई, देखा ऊपर से नीचे तक, आहा कितने सुंदर हैं, उसको लगता है हो ना हो ये वो नंद के लाला यही हैं, आज तक सुना तो था देखा कभी नहीं, यही हो सकते हैं। उसने धीरे से पूछा आपका परिचय? बोले हमें नहीं जानती, नहीं मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं मथुरा की हूँ। अच्छा अच्छा, हमारा नाम कन्हैया है, वैसे तो कृष्ण नाम है, मैया प्रेम से कन्हैया पुकारे। हाँ आप ही हो? अरे आपके बारे में मैंने कितना सुना। भगवान ने कही कौन सा वाला सुना, चोरी वाला तो नहीं सुन लिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सब कह रहे बड़ो भोला भाला, बहुत सीधा साधा, हाँ हम ऐसे ही हैं। तो जी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है फलों की सी, हाँ लाला इनमें टोकरी में फल है मेरे, अच्छा तो हमें दे दो। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर सोचा कर दे दूंगी चले जाएंगे तो बात कैसे होगी, तो मैं दे तो दूंगी लेकिन तुम बदले में क्या दोगे? हम क्या देंगे, हम अपनी मैया से रोज दिन भर मांगते रहते, मैया को देते थोड़ी हैं। तो हंस करके बोली लाला आप बड़े भोले हो, देखो मैं तो बेचने वाली हूँ, बाजार में कुछ खरीदते हैं तो कुछ दिया भी जाता है। अच्छा तो क्या लाएं, जो कुछ हो फिर भी बताओ। धान है तुम्हारे घर में? हाँ धान तो बोरी में भरो पड़ो, हाँ तो धान चलेगा। अच्छा तो रुको मैं अभी आता हूँ। भगवान दौड़े, और जब भगवान चले तो संतजन कहते हैं गजगति नंद कुमार, भगवान मतवाले हाथी के समान ठुमक ठुमक के चलते हैं। जब जाने लगे तो देखने लगी एक टक भगवान को बिना पलक झपकाए, और फिर भगवान पीछे मुड़े और टेढ़ी चितवन से जब देखा तो लगा कि अब तो गई, बस शरीर को संभाला। भगवान ने कहा यहीं रुकना, जाना नहीं, आ रहा हूं मैं, हाँ हाँ मैं यहीं हूँ, जब तक नहीं तुम कहो तो लाला जिंदगी भर यहीं बैठी रहूं, मैं कहीं नहीं जाऊं। अब दौड़ के गए वहां जहां पर खूब सारे बोरों में धान भरा हुआ था, भगवान ने एक अंजलि धान उठा लिया और चले छोटे छोटे हाथ ठाकुर जी के, और यहाँ से जो पोरे होती है यहाँ से गिरने लगा। जब पहुंचे उसके पास में तो 10-12 दाने ही हाथ में भगवान के रह गए, उन दानों को उठा करके दे दिया लो। उसने देखा तो हंसी, भगवान बोले कुछ कम? तो भगवान को देखा बेचारे थक गए थे, पसीना आ रहा, बोले फिर बोलूंगी फिर जाएंगे। अरे नहीं नहीं लाला बहुत ले आए जी तो तुम, अरे इतना थोड़ी लूंगी मैं। भगवान बोले रखो रखो, हम बड़े बाप की औलाद ऐसी देते हैं हम जिसको देते हैं। अच्छा अच्छा बड़ी कृपा लाला, अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया, कुछ लेकर के आओगे? क्या लाना? कोई झोला लेके आओ फल के लिए। झोला कौन लाया? ऐसा है हमारे पीतांबर में, भगवान ने अपना दुपट्टा उतारा बिछा दिया, फलों को भर दिया पोटली में, पोटली बना दी। भगवान ने एक तरफ से पकड़ा और उसको घसीट के भगवान चलने लगे, और जब चलने लगे तो ये भगवान को एक टक देखती रही, बोले कितने प्यारे हैं, एक बार मेरी गोद में आ जाते क्या सौभाग्य होता, लेकिन मैं कहाँ एक तुच्छ सी फल बेचने वाली, ये कहाँ नंद जी के लाला, क्या मेरा ऐसा सौभाग्य, कहाँ मेरे को ऐसा सौभाग्य मिलना। भगवान ने मन में विचार किया, देखो घर तक आकर के अगर ये बिना मन का संकल्प पूरा किए लौट गई तो फिर कौन हमारे पास आए। भगवान ने पोटली को छोड़ा, पीछे मुड़े और दौड़ करके उस फल बेचने वाले की गोद में भगवान चढ़ गए, माथे को चूम के भगवान बोले मैया अब यहाँ नहीं आना, हम सब वृंदावन जा रहे हैं, और अब आना तो वृंदावन फलों को लेकर के आना। अंदर चले गए भगवान, दाऊ भैया को बुला, भैया जल्दी आ देख देख कैसे बढ़िया फल आए। फलों को लेकर के भगवान दाऊ जी के साथ पाने लगे, नेत्रों से झरझर झरझर यमुना जी की धार बहने लगी। मेरे जैसी एक सामान्य सी फल बेचने वाली पे ऐसी कृपा, टोकरी को सिर पर रख के चली,
और चलते चलते सारी सुध बुध भूल गई, चलते चलते यमुना जी में उतर गई। और जब ठंडा ठंडा पानी लगा तो सुधाई, अरे मैं कहाँ उतर गई, अच्छा देखो आज कन्हैया ने छू लिया तो सब भूल रहा है, चलो नाव आएगी तब जाएंगे। थोड़ा सा आई और जैसे ही सुध आई तो टोकरी का बड़ा वजन लगा, बड़ा भार हो गया टोकरी। बोले सारे फल तो दे आई थी, अब कहाँ से वजन। टोकरी को उतार करके रखा, देखा तो सारी की सारी टोकरी को भगवान ने बहुमूल्य हीरे मोतियों से भर दिया। उस टोकरी को देखा, कन्हैया आज जो आपने मुझे प्रेम दिया, जो गोद में बिठाया, जो मैया कह के पुकारा, अब इस धन संपत्ति की कोई कामना नहीं। सारी की टोकरी सारी उठा करके यमुना जी में विसर्जन कर दी, आपने अपना लिया, अब इस तुच्छ से धन का क्या करेंगे। जीव को धन तब तक, जीव को संसार, संसार के प्राणी, यहाँ का धन, यहाँ की संपत्ति तब तक प्यारी है जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जा रहा, जब तक भगवान का रस नहीं लग जा रहा। ये सब जंजाल लगने लगता है, सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। फल विक्रयणी पे भगवान ने कृपा की।